हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है एकादशी, तुलसी एकादशी। आज होता है तुलसी माता जी का विवाह। तो विवाह से पहले मैं थोड़ा सा तुलसी के गमले की साफ सफाई कर दूँ, ये देखिए। और आप वीडियो को एंजॉय करना, मैं आपको तुलसी माता की स्टोरी सुनाती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो अब मैं आपको तुलसी की कहानी सुनाती हूँ, आप कहानी भी सुनिए और वीडियो को एंजॉय भी कीजिए। तुलसी का वरदान। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद अभी कुमारी थी, वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी वह गुस्से से कह देती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। समय गुजरता गया। जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। जैसे ही तुलसी का गमला फोड़ कर रखा, भगवान की कृपा से तुलसी के गमले से व्यंजनों का ढेर लग गया और गहने सब बदल गए। ननद को तुलसी की मंजीरा पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी कपड़ों में बदल गया। ससुराल में ननद के दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई और तुलसी की पूजा महत्व उसकी समझ में आ गया। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी माता की सेवा किया कर और तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और एक दिन लड़की के विवाह का समय आ गया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया है, वैसा ही अगर मैं अपनी लड़की के साथ करूँ तो तुलसी का गमला बरातियों के सामने फोड़ कर रख दिया, परंतु इस बार उसमें से स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बने, केवल मिट्टी ही मिट्टी बिखर गई और मंजीरे के पत्तों को पत्ते की वाले अवस्था में रही तो वो पत्ते की अवस्था में ही रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगी। कुछ भी चीज उस समय बदला नहीं, क्योंकि लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था तो तुलसी माता उसको कैसे फल देती। जब ससुराल में सभी लड़के वाले उसकी बुराई करने लगे और भाभी ननद को भी कभी अपने घर नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन के घर जाऊं मिलने के लिए, तो उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने सौगात में एक थैले में ज्वार भरकर अपने पति को दे दिया और वह अपने दुखी मन से बहन के घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर में समीप पहुंचकर भाई ने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब जो गौपालन था, जो गायों की रक्षा करता था, उनको पालता था, तो वह बोलने लगा, ए भाई, ये सोने चांदी का जो तुम्हारे पास थैला है उसको गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तो उसको यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर देखा तो इस थैले के अंदर तो सोना चांदी है। सोना चांदी और मोती लेकर वह प्रसन्न हो गया और मन से बहन के घर गया और भाई बहन को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। तो ये मैंने आज आपको तुलसी माता की एक कहानी सुनाई। यहाँ पर आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो ये देखिए, मैंने तुलसी माता को पहले साफ सफाई की, गमले की सावरी अच्छे से, और फिर उनको नहलाया। उसके बाद मैं इनका टीका चंदन करूँगी। ये देखिए, इनको मैंने जल भी चढ़ा दिया है। आज तुलसी एकादशी है, आज के दिन तुलसी का विवाह होता है। तो जितना मैं कर पाती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, जितना भी मैं कर पाती हूँ उतना मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया भी जला दिया था और मैंने धूप जला कर भी रख दिया है। देखिए, धूप भी मैंने यहाँ पर जला के रख दी है और अब मैं यहाँ पर जो है माता का श्रृंगार करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले चूड़ियाँ पहना दूँगी। चूड़ी लेकर आई थी मैं, गुलाबी कलर की चूड़ियाँ हैं। तो पहले मैं इस तरीके से जो है तुलसी माता को चूड़ियाँ पहना दूँगी और चुनरी भी लेकर आई हूँ, बिंदी भी लेकर आई हूँ। तो श्रृंगार जितना मेरे से हो पाया मैं उतना लेकर आई हूँ। इस तरीके से चूड़ी पहना दूँगी मैं माता को और उसके बाद मैं ये बिंदी के पत्ते से एक बिंदी भी लगा दूँगी। तो आप लोग कैसे करते हो तुलसी माता का विवाह, तुलसी एकादशी को किस तरीके से मनाते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो ये मैंने तुलसी माता को एक बिंदी भी लगा दी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर माता रानी को एक चुनरी भी उड़ा दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं एक माता रानी को चुनरी भी पहना देती हूँ, और मैंने यहाँ पर चुनरी पहना दी है। इसके बाद मैं अब करूँगी माता रानी की आरती। तो ये देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी ले ली थी मैंने, और अब मैं करूँगी माता रानी की आरती। दिया मैंने नीचे जलाकर रख दिया था, और अब मैं इस धूप को भी यहाँ पर रख देती हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और ये देखिए माता रानी को प्रणाम भी कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने तुलसी माता का श्रृंगार कर दिया है। जय तुलसी मैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।